नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर चौधरी। आज मैं आप लोगों को हमारे जो आधुनिक जो भारतीय समाज है उस समाज में संस्कृत भाषा शिक्षा की क्या अहमियत है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यानी सारे भाषाओं में से शिक्षा के लिए मातृभाषा को सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। अब क्योंकि मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, और अगर शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार समाज में होगा तो एक शिक्षित समाज ही अपने देश को तरक्की दिला सकता है। लेकिन आप देखिए, हमारे भारत में आजकल जितनी भी भाषाओं का प्रचलन है उनमें से ज़्यादातर भाषा जो है उसका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। और जिन जिन भाषाओं का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ उस उन उन भाषाओं का भी परवरिश संस्कृत भाषाओं के द्वारा ही हुआ है। मातृभाषा मान लीजिए एक नवजात बच्चा है तो संस्कृत भाषा का ज्ञान उस नवजात बच्चे के लिए मातृदुग्ध के समान है। संस्कृत भाषा के जो ज्ञान है वो आधुनिक भाषाओं के शिक्षा में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। लेकिन आज तो संस्कृत भाषा शिक्षा के सामने से दो ही चैलेंज उतर आए हैं। पहले तो ये है कि इंग्लिश और मातृभाषा के शिक्षा के जगह देने के लिए संस्कृत को दूर हटना पड़ रहा है। लेकिन इस आलोचना से आप स्पष्ट समझ रहे हो कि अगर संस्कृत भाषा कोई अच्छी तरह से सीखेगा तो उसको मातृभाषा में भी जैसे असाधारण व्युत्पत्ति आ जाएगी वैसे इंग्लिश भाषा भी वो आसानी से सीख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि साइंस यानी विज्ञान जो है, विज्ञान के ये युग है, विज्ञान के ये युग है, प्रौद्योगिकी के ये युग है, तकनीकी शिक्षा के। तो अगर कोई संस्कृत अच्छी तरह से सीख ले तो ऐसा नहीं है कि वो उसको तकनीकी शिक्षा में कोई हानि होगा। प्राचीन भारत में भी विज्ञान का बहुत ज़्यादा अग्रगति हुई थी लेकिन आम आदमी को उस विषय में कुछ पता इसलिए नहीं है कि वो प्राचीन भारत में जो विज्ञान विषय किताब है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर कोई संस्कृत भाषा सीख के विज्ञान की चर्चा करेगा तो वो प्राचीन प्राचीन जो वैज्ञानिक संपद है उससे खुद को समृद्ध करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए मातृभाषा में संस्कृत इसलिए मातृभाषा के प्रसार और प्रचार के लिए जो इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए और जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको और भी दृढ़ बनाने के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षण एक आज के युग में भी बहुत अहमियत रखते हैं। यानी अब हमारे देश के मिट्टी से उभरे हुए जो जो नैतिक शिक्षा है, जो प्राचीन नैतिक शिक्षा है, जो आज भी पूरा दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उसको जानना चाहो तो चाहते हो तो आपके लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये सवाल उठता है कि जो आध्यात्मिकता है और जो नैतिकता है वो तो इस जो आध्यात्मिक किताबें हैं और जो नैतिक किताबें हैं वो तो दुनिया के सारे भाषाओं में मिलते हैं। तो इसके लिए खामोखा संस्कृत सीखने का क्या ज़रूरत है? कोई जो बोलचाल की भाषा है उसमें लिखे हुए आध्यात्मिक या नैतिक शिक्षा के किताब पढ़ने से तो काम चला जाएगा। बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे संस्कृत में प्राचीन भारत के जो आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में किताब लिखा गया है उससे ज़्यादा उत्कृष्ट किताब पूरा दुनिया में नहीं मिलता है। और तो और पूरा दुनिया के जो आध्यात्मिकता और नैतिकता है वो भारत के ही आध्यात्मिकता और नैतिकता के द्वारा थोड़ा थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। इसलिए हमारे समाज को अटूट रखना चाहते हैं और विज्ञान जो है उसको ध्वंस के काम में नहीं लेकिन जनकल्याण के काम में व्यवहार करना चाहिए तो हम लोगों को आध्यात्मिक और नैतिक दिक से उन्नत होना पड़ेगा। और आध्यात्मिक और नैतिक उन्नत होने के लिए जो अहम निर्देश है वो संस्कृत में रचित किताबों से बढ़कर कहीं पे नहीं अच्छी तरह से दिया गया है। आध्यात्मिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बीच जो गहरी खाड़ी है उसको एक सेतु के द्वारा युक्त करना चाहिए और वो सेतु निश्चित रूप से होगा संस्कृत भाषा। इसलिए सीधी सी बात है कि संस्कृत शिक्षा होने से लोग को अपने देश देश के सुमहान जो ऐतिह्य है उसके बारे में ज्ञान होगा। अब अपने देश के सुमहान परंपरा या ऐतिह्य के बारे में जो ज्ञानी हो
उसका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा होगा, और जो इस प्रकार से आत्मविश्वासी होगा वो पूरा देश के सामने अपने देश का गौरव और भी ज्यादा करेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसलिए आत्मविश्वासी बनने के लिए और आत्मविश्वासी बन के अपने देश को विश्व के सामने और भी उन्नत दिखाने के लिए लोगों को संस्कृत सीखना ही चाहिए।